आगरा शासन और प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद गौवंश की तस्करी नहीं थम रही है। लगातार हो रही गौवंश की तस्करी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मंशा पर पानी फेर रही है। ताजा मामला नेशनल हाईवे का है। थाना सिकंदरा क्षेत्र के रुणकता की ओर से आ रहे गौवंश से भरे कैंटर को पुलिस की मदद से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। भागने की कोशिश करते चालक समेत दो नौकरों को भी दबोच लिया। शातिर पार्सल लिखे कैंटर में 40 गौवंश को काटने के लिए मेरठ लेकर जा रहे थे। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और पुलिस को जगनेर से गौवंश से भरा कैंटर आने की सूचना थी। पुलिस ने रुणकता से सिकंदरा की ओर आते कैंटर को पकड़ा तो उसके आगे पीछे दूरी बनाकर चल रहे कार सवार लोग भाग गए। पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम रिजवान खान निवासी मुजफ्फरनगर और रितेश निवासी रुणकता आरोपियों ने बताया। आरोपियों ने बताया कि जगनेर से मेरठ लेकर जा रहे थे। चालक को एक चक्कर के 8 से 10 हजार मिलते हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए शातिरों ने कैंटर पर पार्सल कंपनी का नाम लिख रखा था। उसके लोग पर पार्सल की मोहर लगाई गई थी। ये इसलिए लगाई गई थी पुलिस रास्ते में चेकिंग के लिए ना रोके। कैंटर में बंद 40 गौवंश को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मदद से गौशाला भेजा। इंस्पेक्टर सिकंदरा अजय कौशल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सील तोड़ने पर 15 लाख रुपए जुर्माना बताया। कैंटर में पार्सल बताकर चालक ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उन्हें बताया कि पार्सल का सामान होने के चलते सील टूटने पर 15 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। कैंटर के अंदर से पशुओं की आवाज सुनाई देने पर पुलिस ने सील तोड़ दी। रिजवान और रितेश ने बताया कि उनका सरंगना का नाम बल्लू है। उसने जगनेर के जंगल में गुप्त बाड़ा बना रखा है जिसमें आवारा गौवंश लाकर रखा जाता है। गाड़ी पास कराने के 30 हजार लेता है। सरंगना बल्लू आगरा से गौवंश भरी गाड़ी को निकालने के लिए 30 हजार लेता है। गाड़ी को एक्सप्रेस वे तक पहुंचाने के बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू चौधरी है। मैं कैलाश नगर मंत्री हूँ विश्व हिंदू परिषद। ये क्या मामला है? ये ट्रक गोकसी का ट्रक पकड़ा है, कितने गोवंश हैं इसमें, क्या है मामला? ये मामला कल रात को करीब 10 बजे हमारे पास एक सूचना आई थी कि जगनेर से एक ट्रक में गाय भरकर बिहार की साइड ले जाई जा रही है, जहां हमने तत्काल कार्रवाई करना चालू किया। मेरी टीम ने विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष करण गर्ग के नेतृत्व में हम लोगों ने टीम बिछाई और हम लोगों ने पता किया। रुणकते पेट्रोल पंप पर एक ट्रक खड़ा हुआ था जो कि वो गाय भरने जगनेर जा रहा था। हमने वहाँ पे उसके पीछे फील्डिंग लगाई अपनी और पूरी तैयारी के साथ उस ट्रक के साथ निकल पड़े। रात को तकरीबन 2 बजे वो ट्रक वहाँ से रवाना हो गया गायों को भरने और जगनेर पहुँच गया, जिसके पीछे पीछे हम भी पहुँच गए थे। और वहाँ से तकरीबन 3 बजे ये ट्रक भर के निकला है। साथ में हम लोग आए हैं, इसके साथ में एक स्विफ्ट और एक गाड़ी और थी अर्टिगा, जो इसके साथ में चल रही थी। उस गाड़ी ने हमें काफ़ी टक्कर मारने की भी कोशिश की। हम लोग फिर भी उनके कामयाब नाकामयाब करते हुए उनको निकल आए और सिकंदरा पर इसकी घेराबंदी करते हुए हमने इस ट्रक को पकड़ लिया। बाकी इसके साथी लोग फरार हो गए, लेकिन हमने 3 लोगों को पकड़ लिया है और इसमें करीब करीब 40 से 50 गौवंश अंदर पड़े हुए हैं बहुत ही बेरहमी से। इनको मुक्त कराया, कहाँ पे छोड़ा गया है? अब इसको हमने मुक्त कराकर ये रामलाल वृद्ध आश्रम है जहाँ पर गौशाला है वहाँ पर जाकर मुक्त कराया, वहाँ हम छोड़ रहे हैं इनको। ठीक।